जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल हरि वचन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल श्राद्ध पक्ष लग रहे हैं, पितृ पक्ष लग रहे हैं। सनातन धर्म में जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। पर बहुत से लोगों के मन में एक शंका बनी रहती है कि श्राद्ध में जो भी समर्पित की गई वस्तुएं हैं, वो क्या पितरों को पहुंचती हैं, मिलती हैं उनको? तो मेरा ये वीडियो आज इसी शंका का समाधान कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि कर्मों की भिन्नता के कारण जो है मरने के बाद गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे कि कोई देवता बनता है, कोई पितर बनता है, कोई प्रेत बनता है, कोई हाथी बनता है। अब मन में शंका होती है कि छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पितरों की तृप्ति कैसे होती होगी? इसी शंका का समाधान हमारे स्कंद पुराण में बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार एक राजा थे कर्दमन, उन्होंने महायोगी महाकाल से पूछा कि भगवान, मनुष्य द्वारा जो हम पितरों को तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, वो जल अर्पण तो यहीं रह जाता है, फिर वो पितरों के पास कैसे पहुंचता है और पितरों की तृप्ति कैसे होती है? तब भगवान महाकाल ने बताया कि जो विश्व नियंता है, उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जो भी हम श्राद्ध की सामग्री हम उनको अपने पितरों को देते हैं, वो पितरों तक पहुँच जाती है। पितरों और देवताओं की योनियाँ ऐसी हैं कि वो कहीं से भी दूर से भी हमारी बात सुन लेते हैं, दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं, और दूर से की गई जो भी उनकी स्तुति होती है, प्रार्थना होती है, उसको वो सुन लेते हैं और सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। वो भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानते हैं और सभी जगह पर जा सकते हैं। हमारे शरीर में जो होती हैं 5 तन्मात्राएँ होती हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति। इन 9 तत्वों से हमारा शरीर बना होता है, और जो 10वां होता है, उस तत्व के रूप में भगवान पुरुषोत्तम हमारे शरीर में निवास करते हैं। इसीलिए जो देवता और पितर होते हैं, वो गंध और रस से ही तृप्त हो जाते हैं। इसको एक साधारण उदाहरण देके उन्होंने समझाया, जैसे कि मनुष्य का आहार तो अन्न होता है, और जो पशु होते हैं उनका जो भोजन होता है वो घास फूस होता है। इसी तरह जो पितर होते हैं, पितरों का जो भोजन होता है, वो जो अन्न होता है, अन्न का गंध और रस जो होता है, वो उनका भोजन होता है। इसीलिए वो अन्न और जल ले लेते हैं, उसका सार तत्व तो ग्रहण कर लेते हैं, और जो शेष स्थूल वस्तु होती है वो यहीं रह जाती है। अब राजा के मन में शंका हुई कि ये तो ठीक है, चलो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन वो पितरों तक पहुंचता कैसे है? तब उन्होंने बताया कि नाम और गोत्र के उच्चारण के साथ जो भी हम अन्न जल अपने पितरों को देते हैं, उसको जो है जो हमारे पितृ देवता होते हैं, वो पितरों तक पहुंचा देते हैं। और जो भी पितर हमारे होते हैं, जो जिस भी योनि में होते हैं, जैसे कि अगर वो देव योनि में हुए तो उन्हें अमृत बन के मिल जाता है, अगर गंधर्व योनि में हुए तो उन्हें अन्न बन के मिलता है, अगर पशु योनि में हुए तो उन्हें जो है घास फूस के रूप में मिल जाता है, या वो जो भी पशु है जिस भी रूप में है उस रूप में उसे मिल जाता है, और नाग योनि में हुए तो वायु रूप में मिल जाता है, और दानव योनि में हुए तो मांस के रूप में मिलता है, और प्रेत योनि में हुए तो फिर खून के रूप में मिल जाता है, और यदि वो मनुष्य के रूप में हुए तो जो भी मनुष्य भोजन करता है उस रूप में उन्हें मिल जाता है, और उसकी तृप्ति हो जाती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बछड़ा जो है झुंड में अपनी माँ को ढूंढ लेता है ना, उसी प्रकार नाम, गोत्र और हृदय की भक्ति और देश काल आदि के सहारे से जो भी हम पदार्थ अपने पितरों को देते हैं, तो वो पितरों तक पहुंच जाता है। जीव जो है चाहे सैकड़ों योनियों को पार क्यों ना कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। इसका उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण और दिया कि एक बार श्री राम जी अपने पिताजी दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे पुष्कर में। तो जब राम जी अपने ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे, तो सीता जी जो है पेड़ की ओट में जाके छुप गई। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद राम जी ने पूछा कि सीता जी से कि अरे, आप जब मैं भोजन करा रहा था ब्राह्मणों को, तो आप पेड़ के पीछे जाके क्यों छुप गई थी? तो उन्होंने कहा सीता जी ने कि मैंने जो आश्चर्य देखा वही मैं आपको बता रही हूँ। आपने जब नाम और गोत्र का उच्चारण करके अपने पिता और दादाजी को याद किया, उनका आह्वान किया, तो यहाँ जो ब्राह्मण बैठे थे ना, उनके शरीर में वो छाया के रूप में सटकर वहाँ उपस्थित थे।
अब जब ब्राह्मणों के शरीर के साथ मैंने अपने ससुर और पितृगण को देखा तो फिर बताओ मैं कैसे मर्यादा का उल्लंघन कर सकती थी, मैं कैसे यहाँ खड़ी रह सकती थी। इसीलिए मैं पेड़ की आड़ में जाके छुप गई। शास्त्रों में कहा जाता है कि श्राद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। वंश वृद्धि के लिए, घर में सुख शांति के लिए हमें श्राद्ध जरूर करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, परिवार में धन धान्य की कमी नहीं रहती कभी भी। श्राद्ध करने से जो है, जब हम श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध करने से हमारे परिवार में जो भी कोई क्लेश होता है तो वो भी समाप्त हो जाता है और आगे कभी क्लेश नहीं होता। तो इसीलिए सभी लोगों को श्राद्ध जरूर करना चाहिए। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।